ओम शांति। आज है 19 सितंबर 2021 की अव्यक्त मुरली। रिवाइज डेट है 23/3/88 मधुबन। आइए सुनते हैं बाबा के महावाक्यों को। दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत, दिल रुबा बच्चों की निशानियां। आज दिलाराम बाप अपने दिल रुबा बच्चों से मिलने आए हैं। दिलाराम बाप के हर एक दिल रुबा अर्थात जिसकी दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते रहते, ऐसे दिल रुबा दिलाराम बाप की दिल को अपने स्नेह के साज से जीतने वाले हैं। दिलाराम बाप भी ऐसे बच्चों के गुण गाते हैं। तो बाप के दिल जीत सो स्वतः माया जीत, जगत जीत है ही। जैसे कोई हद के राज्य के तख्त को जीतते हैं, तो जीतना अर्थात तख्तनशीन बनना। ऐसे जो बाप के दिल तख्त को जीत लेते हैं, वह स्वतः ही सदा तख्तनशीन रहते हैं। उनकी दिल में सदा बाप है और बाप की दिल में सदा ऐसा विजयी बच्चा है। ऐसे दिलजीत बच्चे श्वासों श्वास अर्थात हर सेकंड सिवाय बाप और सेवा के और कोई गीत नहीं गाते हैं। सदा एक ही गीत बजता कि मेरा बाबा और मैं बाप का। इसको कहते हैं दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत, दिल रुबा। बाप दादा हर एक दिल रुबा बच्चों के सदा मधुर साज सुनते रहते हैं कि भिन्न भिन्न साज है या एक ही साज है। कभी कोई अपनी कमजोरी के भी गीत गाते हैं और कभी बाप के बजाय अपने गीत भी गाते हैं। बाप की महिमा के साथ अपनी महिमा भी आप करते हैं। बाप में आप हैं अर्थात बाप की महिमा में आपकी महिमा है ही। यथार्थ साज बाप के गीत गाना ही श्रेष्ठ साज है। जो दिल तख्त जीत बच्चे हैं, उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में हर एक को बाप ही दिखाई देगा। चाहे मुख उसका हो, लेकिन शक्तिशाली स्नेह भरे बोल स्वतः ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे कि यह बोल आत्मा के नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिमान के बोल हैं। इनके दृष्टि की रूहानियत रूहों को बाप की अनुभूति कराने वाली है। इनके कदम में परमात्म श्रेष्ठ मत के कदम हैं। यह साधारण व्यक्ति नहीं, लेकिन अव्यक्त फरिश्ते हैं। ऐसी अनुभूति कराने वाले को कहते हैं दिल जीत सो जगत जीत। वाणी से अनुभव कराना यह साधारण विधि है। वाणी से प्रभाव डालने वाले दुनिया में भी अनेक हैं, लेकिन आपके वाणी की विशेषता यही है कि आपका बोल बाप की याद दिलाए। बाप को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि आत्माओं को सदगति की राह दिखाए, यह न्यारापन है। अगर आपकी महिमा कर ली की बहुत अच्छा है, बोलने का आर्ट है या अथॉरिटी के बोल हैं, यह तो और आत्माओं की भी महिमा होती है। लेकिन आपके बोल बाप की महिमा अनुभव कराएं, यही विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन है। तो जिसकी दिल में सदा दिलाराम है, उनके मुख द्वारा भी दिल का आवाज दिलाराम को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगा। तो यह चेक करो कि हर कदम में, बोल में मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है। मेरा बोल बाप से संबंध जोड़ने वाला बोल है, क्योंकि अभी लास्ट सेवा का पाठ ही है, प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म की गति सुनाने वाले बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है। जिसके दिल में सदा बाप है, वह स्वतः ही सनशोस फादर बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बच्चा, करने वाला समीप अर्थात समान बच्चा है।
चारों ओर अभी यह आवाज गूंजे कि हमारा बाबा ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, हमारा बाबा। जब यह आवाज गूंजेगा तभी स्वीट होम परम धाम का गेट खुलेगा, क्योंकि जब हमारा बाबा कहें तब मुक्ति का वर्षा मिले और आपके व बाप के साथ साथ चाहे बराती बनके चलें, लेकिन सबको वापस जाना ही है, ले ही जाना है। हमारा बाबा आ गया। कम से कम यह आवाज़ कानों से सुनने बुद्धि से जानने के अधिकारी तो बने, कोई भी वंचित न रह जाए। विश्व का बाप है तो विश्व की आत्माओं को इतनी अंजलि तो देनी है ना। आपने सागर को हप किया लेकिन वह एक बूंद के प्यासे उन्हों को बूंद तो प्राप्त कराएंगे ना। इसके लिए क्या करना पड़े, हर कदम हर बोल बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हों तब यह आवाज गूंजेगा। तो ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को ही दिलाराम के दिलरुबा कहते हैं, जिसकी दिल से एक ही बाप के साज बजते हैं। तो ऐसे दिलरुबा बने हो ना। एक गीत गाओ तो दूसरे गीत स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ दो शब्दों में खुशखबरी सुनाओ, ओके, रूह रिहान करो और गीत सुनाने लिए टाइम ना दो, ना लो। खुशखबरी सुनाने में समय नहीं लगता है, लेकिन राम कथा सुनाने में टाइम लगता है। बाप दादा ऐसी बातों को राम कथा कहते हैं, कृष्ण कथा नहीं कहते। यह 14 कला वालों की कथा है, 16 कला वालों की नहीं। राम कथा करने वाले तो नहीं हो ना। अभी सेवा बहुत रही हुई है, अभी किया ही क्या है। सोचो 550 करोड़ आत्माएं हैं, कम से कम एक बूंद ही दो, लेकिन देना तो है। चाहे आपके भक्त बने, चाहे आपकी प्रजा बने, देवता बनेंगे तो भी देना ही है। भक्ति में देव बन के पूछे जाएंगे ना, तो देंगे तब जो देवता समझ पूछेंगे। प्रजा भी तब बनेगी जब कोई प्राप्ति होगी। ऐसे ही कैसे मानेगी कि आप मात पिता हो, राजा भी मात पिता ही हैं। दोनों ही रीति से दाता के बच्चे दाता बन देना है, लेकिन देते हुए दाता की याद दिलानी है। समझा क्या करना है। यह नहीं समझो विदेश में अथवा देश में इतने सेंटर्स खुल गए, बहुत हो गया, लेकिन रहम दिल बाप के बच्चे हो ना। सभी अपने प्यासे भटकते हुए भाई बहनों के ऊपर रहम करना है, किसी का उलहना नहीं रहना चाहिए। अच्छा, विदेश से भी बहुत आशिक आ गए हैं। जब बहुत आते हैं तो बांटना तो पड़ेगा ना, समय भी बांटना पड़े। रात को दिन तो बनाते ही हैं और क्या करेंगे। इसमें भी महादानी बनो। बाप का स्नेह नंबर वार होते भी सबसे नंबर वन है। कभी भी यह नहीं समझना कि मेरे से बाप का प्यार कम है और किसी से ज्यादा है, नहीं, सबसे ज्यादा है। मुख के बोल में कभी किसी से ज्यादा भी बोल लेते हैं, कभी कम भी होता है, लेकिन दिल का प्यार बोल में नहीं बंटता है। बाप की नजरों में हर एक बच्चा नंबर वन है। अभी नंबर आउट कहाँ हुए हैं, जब तक आउट हो तब तक हर एक नंबर वन है। कोई भी नंबर वन हो सकता है, सुनाया ना, नंबर वन तो ब्रह्मा सदा है ही, लेकिन फर्स्ट डिवीजन बाप के साथ फर्स्ट नंबर में आना अर्थात फर्स्ट डिवीजन, उन्हों को भी नंबर वन कहेंगे। तो जब तक फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है तब तक बाप दादा चाहे जानते भी हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण लास्ट हैं, लेकिन फिर भी लास्ट नहीं समझते। कभी भी लास्ट सो फर्स्ट बन सकता है, मार्जिन है। कभी कभी क्या होता है, जो बहुत तेज चलते हैं वह नज़दीक पहुंचने पर थक जाते हैं तो रुक जाते हैं, और जो धीरे धीरे चलते हैं कभी रुकते नहीं, तरीके से चलते हैं तो वह पहुंच जाते हैं।
इसलिए अभी बाप की नज़र में सब नंबर वन हैं। जब रिजल्ट आउट होगी तब कहेंगे यह लास्ट है, यह फर्स्ट है, अभी नहीं कह सकते। इसलिए सिर्फ अपने में निश्चय रख उड़ते चलो। बाप दादा का आगे उड़ाने का दिल का प्यार सभी से है। कभी दो शब्द किससे कम बोला तो कम प्यार नहीं है। दिल में भी बाप के प्यार की श्रेष्ठ शुभ कामनाएं सदा भरी हुई हैं। दो बोल भी कहते उड़ते चलो तो इसमें भी प्यार का सागर समाया हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि बाबा मुझे ज़्यादा प्यार करता। अगर कोई कहता है तो कहो मुझे आपसे भी ज़्यादा करता। और करते हैं, ऐसे ही नहीं कहते, सिर्फ दिल खुश करने के लिए नहीं कहते। बाप तो जानते हैं कि कितने भटके हुए, थके हुए, उलझे हुए फिर से 5000 वर्ष के बाद मिले हैं। बाप ने ढूंढ ढूंढ कर तो निकाला है, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सबसे निकाला है। तो जिसको ढूंढ कर निकाला हो तो उससे कितना प्यार होगा, नहीं तो ढूंढते ही नहीं। और सागर के पास प्यार की कमी है क्या? यह तो दिलाराम जाने कि हरेक का दिल से प्यार कितना है। क्या भी हो लेकिन प्यार में सभी पास हो। बाप से प्यार का सर्टिफिकेट तो बाप ने पहले ही दे दिया है। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेह भरे दिल के साज सुनाने वाले दिलाराम के दिल रुबाओं को सदा हर कर्म में सन शोज फादर करने वाले, सदा हर बोल द्वारा बाप से संबंध जोड़ने वाले, सदा अपनी रूहानी दृष्टि से रूहों को बाप का अनुभव कराने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, बाप के दिल तख्त जीत, माया जीत, जगत जीत बच्चियों को दिलाराम बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चियों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। पर्सनल मुलाकात नंबर एक। याद की शक्ति सदा हर कार्य में आगे बढ़ाने वाली है। याद की शक्ति सदा के लिए शक्तिशाली बनाती है। याद की शक्ति की अनुभूति सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। यही शक्ति हर कार्य में सफलता का अनुभव कराती है। इसी शक्ति के अनुभव से आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ। यह स्मृति में रख जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। इसी शक्ति से विशेष सहयोग प्राप्त होता रहेगा। नंबर दो। सदा हर कार्य करते स्वयं को साक्षी स्थिति में स्थित रख कार्य कराने वाली न्यारी आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो? साक्षीपन की स्थिति सदा हर कार्य सहज सफल करती है। साक्षीपन की स्थिति कितनी प्यारी लगती है। साक्षी बन कार्य करने वाली आत्मा सदा न्यारी और बाप की प्यारी है। तो इसी अभ्यास से कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा हूँ, अलौकिक अनुभूति करने वाली, अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ। यह नशा रहता है ना, कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो, यही अभ्यास कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करा देगा। इसी अभ्यास को सदा आगे बढ़ाते कर्म करते न्यारे और बाप के प्यारे रहना, इसको कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा। नंबर तीन। सदा श्रेष्ठ खजानों से भरपूर आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो? जो अखुट खजानों से भरपूर होगा उसको रूहानी नशा कितना होगा। सदा सर्व खजानों से भरपूर हूँ, इस रूहानी खुशी से आगे बढ़ते चलो। सर्व खजानों से आत्माओं को जगाए साथी बना देंगे तो भरपूर और शक्तिशाली आत्मा बन आगे बढ़ते रहेंगे। नंबर चार। सदा बुद्धि में यह स्मृति रहती है ना कि बाप करावन हार करा रहा है, हम निमित हैं। निमित बन करने वाले सदा हल्के रहते हैं क्योंकि जिम्मेवार करावन हार बाप है। जब मैं करता हूँ यह स्मृति रहती है तो भारी हो जाते, और बाप करा रहा है तो हल्के रहते।
मैं निमित हूँ, कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, इसको कहते बेफिकर बादशाह, तो करावन हार करा रहा है, इसी विधि से सदा आगे बढ़ते रहो। नंबर 5, बाप की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, यही अनुभूति होती है। जो अभी छत्र छाया में रहते वही छत्रधारी बनते हैं, तो छत्र छाया में रहने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ, यह खुशी रहती है ना। छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है, इस छत्र छाया के अंदर कोई आ नहीं सकता, बाप की छत्र छाया के अंदर हूँ, यह चित्र सदा सामने रखो। नंबर 6, सदा अपना रूहानी फरिश्ता स्वरूप स्मृति में रहता है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, यह पहेली हल कर ली है ना। पहेलियां हल करना आता है, सेकंड में ब्राह्मण सो देवता, देवता सो चक्कर लगाते ब्राह्मण, फिर देवता, तो हम सो सोहम की पहेली सदा बुद्धि में रहती है। जो पहेली हल करते उन्हें ही प्राइज मिलती है, तो प्राइज मिली है ना। जो अभी मिली है वह भविष्य में भी नहीं मिलेगी। प्राइज में क्या मिला है? स्वयं बाप मिल गया, बाप के बन गए। भविष्य की रचाई के आगे यह प्राप्ति कितना ऊंची है, तो सदा प्राइज लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इसी नशे और खुशी से सदा आगे बढ़ते रहो। पहेली और प्राइज दोनों स्मृति में सदा रहें तो आगे स्वतः बढ़ते रहेंगे। नंबर 7, सदा दृढ़ता सफलता की चाबी है। इस विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव होता है ना। दृढ़ संकल्प की विशेषता कार्य में सहज सफल बनाए विशेष आत्मा बना देती है, और कोई भी कार्य में जब विशेष आत्मा बनते हैं तो सबकी दुआएं स्वतः ही मिलती हैं। स्थूल में कोई दुआएं नहीं देता, लेकिन यह सूक्ष्म है जिससे आत्मा में शक्ति भरती है और स्व उन्नति में सहज सफलता प्राप्त होती है। तो सदा दृढ़ता की महानता से सफलता को प्राप्त करने वाली और सर्व की दुआएं लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। वरदान, रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्म संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की सर्व शक्तियां स्वयं में धारण कर लो, तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपने तरफ आकर्षित करेगी। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, उनको दूर रहते हुए भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे। यह सूक्ष्म मशीनरी जब तेज करो, तब अनेक तड़फती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। स्लोगन, अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। उस मुरली सुनने के लिए आप शिव बाबा मुरली मधुबन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डेली शिव बाबा मुरली आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ओम शांति।